जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के निवादा गांव में निर्माणाधीन वाराणसी लखनऊ फोरलेन पर आज शाम कार की टक्कर से बाइक सवार दामाद की मौत हो गई और ससुर घायल हो गए। हादसे से आक्रोशित लोगों ने शाम को लाइन बाजार थाने के पास वाराणसी लखनऊ राजमार्ग को जाम कर दिया। समझाने बुझाने पर डेढ़ घंटे बाद रास्ता जाम को समाप्त कराया गया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कार क्षतिग्रस्त करने के साथ ही कुछ राहगीरों की पिटाई भी कर दी। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामनगर भड़सरा निवासी 32 वर्षीय सिकंदर सोनकर अपने ससुर, जफराबाद थाना क्षेत्र के उत्तरगावा निवासी 60 वर्षीय बांकेलाल सोनकर के साथ बाइक से नेवादा निवासी पन्नालाल सोनकर के यहाँ शादी के लिए लड़की देखने गए थे। वहाँ से करीब 3:30 बजे लौटते समय नेवादा गाँव में ही निर्माणाधीन फोरलेन पर तेज रफ्तार कार स्विफ्ट ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे सिकंदर सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, बांकेलाल सोनकर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक कार छोड़कर भाग गया। खबर लगते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घायल बांकेलाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस कार को कब्जे में लेकर थाने पर लाई। हादसे से आक्रोशित रामनगर भड़सरा के सैकड़ों लोगों ने करीब 4:30 बजे थाने के पास वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता जाम कर दिया। भीड़ उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रही थी। एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार, सदर तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, सीओ सिटी जितेंद्र दुबे के समझाने बुझाने पर करीब 6 बजे जाम समाप्त हो गया।